चलिए फिर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फिर हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने रात भर चने को भिगो दिया था। अब चने को भिगो के पानी से साफ करके अच्छे से अब इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे और 1/2 चम्मच नमक डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब हम गैस को ऑन कर देंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे और 3 विसल आने तक गैस में रख देंगे। 3 विसल आ गई थी और हमने गैस को ऑफ कर दिया था। अब हम कुकर को खोल लेते हैं और चने को देख लेते हैं। हमारे चने बॉईल हो चुके हैं, कितने सॉफ्ट है। चने की चाट बनाने के लिए हमें ये सब सामान की आवश्यकता है। 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 1/2 से थोड़ा सा कम काला नमक और 1/2 से ही थोड़ा कम सफ़ेद नमक, क्योंकि हमने चनों में भी थोड़ा सा नमक डाला था। थोड़ी सी हींग और 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 से थोड़ा कम आमचूर पाउडर और अदरक और हरी मिर्ची को हमने ग्राइंड कर, 1/2 चम्मच काली मिर्च को हमने दरदरा पीस लिया। सारे मसालों को हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हींग और साबुत जीरा को छोड़ के हमने सारे मसालों को एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इन सारे मसालों को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक फ्राई पैन में गैस को ऑन करेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब उसमें हम ज़ीरा, हमारा ज़ीरा ब्राउन हो चुका है, अब हम थोड़ी 1 साबुत लाल मिर्च उसका थोड़ा सा हाफ कर दिया और थोड़ी सी 1 पिंच हींग हल्का सा फ्राई करके और अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट, अदरक हरी मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट ब्राउन हो चुका है। अब हम इन सारे जो कटोरियों में सारे मसाले को हमने मिक्स किया था, अब इन सारे मसालों को हम फ्राई पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको अच्छे से 1 मिनट तक भूनेंगे। हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, तेल ऊपर को आने लग गया है। अब हम इन सारे मसालों में जो हमने चने बॉईल करके रखे थे उसको फ्राई पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से चनों को भी मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। अब हमने सभी चने को मसाले में मिक्स कर दिया है अच्छे से और हम इसको 3-4 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अब हम ढक्कन को खोल के चेक कर लेते हैं और चनों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारे चने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 1 खीरा, 3-4 टमाटर और 4 आलू बॉईल करके रखे थे मैंने, अब इसको इन सब को मसाले चने में डाल देंगे। उबले हुए आलू को भी डाल देंगे और टमाटर को भी और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सब मसालों को हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए मिक्स कर देना है और गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमारी चाट रेडी है। इस चाट में अब हम थोड़ा सा हरा धनिया, 1 नींबू, 1 डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारी चाट खाने के लिए रेडी है। अब हम इसको एक कटोरे में
सर्व कर देंगे। अब हमने अपनी चाट को एक बॉल में सर्व कर लिया है। अब हमारी चाट खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी चाट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय बाय।